6.5. Convert the following improper fractions to mixed fractions using the division rule. बेटा आपको ये यहाँ पे improper fractions दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि proper fraction और improper fraction. ओके, proper fraction जैसे कि अगर pi upon अगर 13 है तो ये है proper fraction. इसको आपको mixed fraction में करने की कोई नीड नहीं है. ओके, बट अगर ये improper fraction अगर दिए हुए हो तो उसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है. तो जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 5 को हम यहाँ पे 13 से डिवाइड करेंगे. 5 1 जो 5 5 2 जो 10. ओके, 5 3 जो 15. 15 तो 13 से ज़्यादा हो जाता है बेटा, इसलिए हम 15 नहीं लेंगे. तो हम क्या लेंगे, 5 2 जो 10. ओके, 3 में से 0 को माइनस किया 3, 1 में से 1 को माइनस किया 0. ओके, तो ये नीचे रिमाइंडर क्या आया, 3, और ऊपर ये क्वेश्चन 2 एंड ये डिवाइजर 5. तो उसको हम देखो कैसे लिखेंगे, जो ये हमारा क्वेश्चन आया ना वो पूरा पूरे पूरे है ना, तो ये 2 यहाँ पे आएगा. ओके, और उसके बाद में ये जो 3 है ना ये रिमाइंडर यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और ये जो डिवाइजर वो नीचे, जैसे 5 में से 3 और ये 2 जो है वो फुल है. ओके, फुल मीन्स की अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, तो जैसे ये फुल 2, ओके, एंड ये इसमें से 5 में से मान लो ये 5, ओके, 5 में से 3, तो ये 1 2 एंड ये 3, 5 में से 3 7. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 2 ओके, तो इस तरह से ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है. ओके, अब बी 28/9, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. कन्वर्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कन्वर्ट कन्वर्ट को चाहे चेंज करो है ना, ये एक ही है. तो 9 को 28 से हम डिवाइड करेंगे. 9 3 जो 37, 8 में से 7 माइनस किया 1, 2 में से 2 माइनस किया 0. अब ये रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया, तो 3 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आगे आएगा, डिवाइजर नीचे जाएगा और रिमाइंडर वो ऊपर आएगा. ये हमेशा ये याद रखना, हमेशा यही पोजिशन रहेगी इनकी कि जैसे कि क्वेश्चन हमेशा आगे आएगा, 1 रिमाइंडर जो है वो ऊपर जाएगा और डिवाइजर जो है वो नीचे आएगा. 3 1/9. ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है. इसके बाद 17/4, तो 4 को हम 7 से डिवाइड करेंगे. 4 4 जो 16, 7 में से 6 को माइनस किया 1, 1 में से 1 को माइनस किया 0. ओके, नाउ 1 रिमाइंडर हो गया, क्वेश्चन 4 यहाँ पे आया और ये डिवाइजर. सो मैं आपको इतना, देन 32/3, 3 को 32 से हमने डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 में से 3 को माइनस किया 0, 3 2 जो है वो नीचे. अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है ना वो 3 से लेस है. ओके, इसलिए 3 के टेबल पे 2 नहीं आएगा. और यहाँ पे और कोई नंबर भी नहीं है कि जो यहाँ पर रखे हम उसको बड़ा नंबर बेटर नंबर में चेंज कर सके. तो हम क्या करेंगे, ये 2 ऐसे गए ऐसे रहेगा, ये हमारा रिमाइंडर रहेगा. लेकिन इस नंबर का कोई नंबर यहाँ पे ऊपर नहीं गया, तो हम क्वेश्चन में यहाँ पे क्या भेजेंगे, जी मैं आपको. तो ये क्वेश्चन हमारा 10, रिमाइंडर है 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 फुल एंड 3 डिवाइजर एंड 2. ओके, ये मिक्स फ्रैक्शन है. तो जब इन प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ हो ना तो आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में करने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुए हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि नंबरेटर है वो बिग होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो लेस होना चाहिए, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी. तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. ओके, एक्सरसाइज 6.5 का 4, राइट द मिक्स्ड एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
फॉर इच फॉर द पॉलन ऑफ द पॉलन। जैसे कि आपको पिक्चर दी हुई है, इसकी वजह से आपको मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बनाना है। तो जैसे ये देखिए, ये पिक्चर फुल है, ओके, तो ये टू जो है वो फुल, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, टू, ये जो फुल आपको सेडेड दिए हुए हैं ना वो टू, एंड ये देखिए तो वन टू थ्री, ये फोर में से थ्री सेडेड है, तो फोर में से थ्री सेडेड, ओके, फोर आउट ऑफ थ्री, मीन्स कि थ्री सेडेड फोर में से, ओके, तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया आपका। अब मैंने आपको देखो बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, तो वो आपको पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। अब ये हमको मिक्स फ्रैक्शन ये यहाँ पे मिल गया, तो इसके ऊपर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। हालांकि आप यहाँ देख के भी बना सकते हैं कि जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ओके, तो इलेवन अपॉन फोर, वन टू थ्री फोर है ना, इलेवन अपॉन फोर। लेकिन आपको मिक्स फ्रैक्शन अगर बनाने हैं तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सॉरी मिक्स फ्रैक्शन ऐसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। तो जैसे कि ये देखिए, टू थ्री अपॉन फोर, ये हमने यहाँ पे लिखा, वो इसमें से आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो हमको क्या करना है, ये जो फोर है ना इसको टू से मल्टीप्लाई करना है, इसको टू से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आता है उसको थ्री से प्लस करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, फोर को टू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद थ्री को प्लस कर दिया, फोर टू जो एट, एट में थ्री को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इलेवन, ओके, और नीचे ये जो फोर है वो फोर का फोर, डिनोमिनेटर में फोर, ओके, तो ये आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सुना है आपको मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाना है, ये समझना है आपको, ओके, आगे एक और करती हूँ मैं आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जैसे टू पिक्चर बना लेते हैं, ओके, ये फुल सेडेड है, कितने पार्ट्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये फुल सेडेड है, जिसकी ये वन कहा जाएगा, और ये देखिए इसमें सिक्स पार्ट्स में से थ्री पार्ट्स सेडेड है और थ्री पार्ट्स अनसेडेड है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, आपको मैंने बताया था कि जिससे वन होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, वन जो फुल है वो यहाँ पे लिखा जाता है, और इसमें जैसे सिक्स, तो सिक्स आउट ऑफ थ्री, तो ये सिक्स आउट ऑफ थ्री, सुन, हाँ यस, वन टू थ्री और थ्री आउट ऑफ सिक्स, या थ्री अपॉन सिक्स बोल सकते हैं आप इसको। तो अब ये तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया, और देखिए यहाँ पे ये थ्री अपॉन सिक्स, इसको हम और भी अब सिंपलेस्ट में कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे आपको नहीं बताया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि थ्री अपॉन सिक्स, तो इसको हम और भी सिंपलेस्ट में कर सकते हैं। तो वन, और ये देखो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो वन अपॉन टू, ओके, वन वन अपॉन टू, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ओके, लिखे तरीके ये बता, ये लिखना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैंने आपको ये बता दिया सिंपलेस्ट फॉर्म, और मतलब आगे से आगे आपको नेक्स्ट क्लास में काम आएगा। अब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो ये नाइन अपॉन सिक्स, ये देखिए इसमें मिक्स फ्रैक्शन में से मैंने ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया, देखिए कैसे बनाया, वन थ्री अपॉन सिक्स, अब सिक्स में वन को हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में थ्री को हमने प्लस किया, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स में थ्री को प्लस किया नाइन, और ये जो डिनोमिनेटर में सिक्स है वो, तो नाइन अपॉन सिक्स, तो इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे ना तो थ्री टू जा सिक्स, थ्री जा नाइन, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। सुन, ओके, सुन में आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने कैसे बनाया, आया सुन में आपको, एक्सरसाइज 6.5 का थर्ड, कन्वर्ट 17 अपॉन 6 टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, देन चेक योर आंसर यूजिंग द डिवीजन रूल। तो बेटा डिवीजन रूल से तो हम लोग करते ही है ना, मैंने आपको जो बताया है वो डिवीजन रूल से ही बताया है, तो ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और उसके बाद में हमको क्या करना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, जैसे कि 17 अपॉन 6 का सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए 6 को 17 से मैंने डिवाइड कर दिया, 6 टू जा 12,
सिक्स थ्री जा 18, 18 तो इससे 17 से ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम लोग क्या लेंगे, सिक्स टू जा 12, ओके। देन 7 में से 2 को मैं माइनस कर दूंगी तो क्या आएगा 5, 1 में 7 को माइनस करूँगी तो 0। अब ये हमारा आ गया रिमाइंडर और ये क्वेश्चन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 को मैं ऊपर लिख दूंगी यहाँ पे नंबरेटर में और 6 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो 2 है वो फुल। तो जैसे कि 2 5 अपॉन 6, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, 6 17 अपॉन 6 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2 5 अपॉन 6, ओके। फॉर चेंज 6 1 अपॉन 2 टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मीन्स कि इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए इसमें है नंबर लाइन दी हुई है, हम क्या करेंगे, 6 1 अपॉन 2 को ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1, ठीक, तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 अपॉन 2 का 2। तो अब 2 6 12 12 प्लस 1 13, तो 13 अपॉन 2, ओके। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिक्स फ्रैक्शन सुनाया बेटा।